पिछे पिछे आंदा मेरे जान वेंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरे जान वेंदाई, चिर वाले आ वेखदा। फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक गेट रेडी विद मी शूट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए तैयार हो रही हूँ। एक वीडियो मुझे शूट करना है उसके लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि यूट्यूब में वीडियो बनाने से पहले मैं किस तरह से रेडी होती हूँ, तो चलिए फिर अपने वीडियो में मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए हिमालय का बेबी क्रीम लेके अच्छे से अपने पूरे फेस में लगा लूँगी, जिससे कि मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो जाएगी। मॉइस्चराइजर लगाने से आपका फाउंडेशन जो है बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड होगा। इसके बाद मैं बेस करने के लिए अपना लॉरेल इन्फेरेबल 24 आवर्स फाउंडेशन लूँगी, जिसमें से कुछ ड्रॉप लूँगी, और इसमें ही मैं अपना प्राइमर लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर प्राइमर मिक्स करके अच्छे से लगा लूँगी, जिससे कि जो मेरा बेस है वो बहुत टाइम तक मेरे फेस पर टिका रहेगा। ये बहुत ही अच्छा एक टिप है और ट्रिक भी है कि आपको अपना अगर फाउंडेशन बहुत देर तक अपने फेस पर रखना है तो आप अपने प्राइमर को अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स करके लगा लें। फाउंडेशन आपके फेस में स्टिक रहेगा, आपको बिल्कुल भी पसीने नहीं आएंगे और आपका जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। मैं यहाँ हाथ से ही अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप अपने बफिंग ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल ट्रू मैच कॉम्पैक्ट, और मैं इससे अपने पूरे बेस को एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। ब्रश से पाउडर लगाने में कवरेज बहुत ही बेटर मिलती है। हमें अपने फेस और नेक में भी पाउडर लगा लेना है। फिर मैं मेबिलिन की आईब्रो पेंसिल लेकर के अपने आईब्रोज को डिफाइन करूँगी, मतलब कि मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन करूँगी, और मेरा शेड है ग्रे। आईब्रो फिल इन करने के बाद मैं इसी पेंसिल के दूसरी साइड पे स्मजर है उससे अच्छे से अपनी आईब्रोज को स्मज कर लूँगी। फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने आई शेडो पैलेट से ये पिंक वाला कलर लेके अपने चीक बोन में अच्छे से ब्लशर लगा लूँगी, और इसमें बहुत ही शिमरी पार्टिकल्स हैं तो आपको हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल शेड है ये शेड, इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरिंग लगेगा। अब इसी आई शेडो पैलेट से मैं ये अपना गोल्डन कॉपर ब्राउन शेड लेकर के अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी आईलिड पर अच्छे से लगा लूँगी। फिर मैं यूज़ करूँगी नायका रॉक द लाइन काजल इन द शेड ब्लैक। और इस काजल की हेल्प से अच्छे से मोटा काजल मैं लगा लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेरी पेरी इंक वेलवेट, और ये बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल शेड है, और इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अब मैं मस्कारा लगाऊंगी, जो कि मेबिलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा है, और ये मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ऑफ कैमरा मैंने यहाँ पे आईलैशेस फेक आईलैशेस लगा ली हैं, और ये है हमारा फाइनल लुक। और मैंने अपना यहाँ आउटफिट पहन लिया है, और मैं अपना दूसरा वीडियो शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।